नंदनी जगवंदनी माँ कामधेनु को नमन। प्राण दो परित्राण दो कर लो अहिंसा का वरण। स्वास्थ्य अपना खो चुके रोग से हम ग्रस्त हैं। शक्ति और सौंदर्य खोकर वेदना से त्रस्त हैं। दो आरोग्य दो बल बुद्धि का हो संचरण। नंदनी जगवंदनी माँ कामधेनु को नमन। इस कलयुग में गौ माता की महिमा सुन लो भाई। इस धरती पर स्वर्ग लोक से देव रूप में आई। इस कलयुग में गौ माता की महिमा सुन लो भाई। इस धरती पर स्वर्ग लोक से देव रूप में आई। दिल्ली पिंजरापाल गौशाला दिल्ली की प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध गौशाला है। पिंजरापाल गौशाला आज दिल्ली ही नहीं वरन दूर दूर तक अपनी विश्वसनीयता, गौ सेवा एवं गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और क्यों ना हो, इस गौशाला का शुभारंभ 1862 में एक संत बाबा शादीनाथ जी की प्रेरणा से राय बहादुर लाला अंबा प्रसाद जी ने कराया था। दिल्ली पिंजरापोल सोसाइटी आज 1862 से चल रही है। ये लाला अंबा प्रसाद जी का एक विजन था, एक उनका विचार था जिसके ऊपर में उन्होंने ये गौशाला बनाई और ये अभी तक चल रही है। ये गौशाला किशनगंज रेलवे स्टेशन एवं प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के निकट लगभग 4 एकड़ जमीन में निर्मित है। इस गौशाला में लगभग 2000 गौधन पालन पोषण अति सेवा भाव एवं सुचारू रूप से होता है। गौशाला के प्रांगण में लगभग 100 परिवार जो कि गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। सभी का जीवन यापन गौशाला के अंतर्गत ही होता है। इस गौशाला के अंदर तकरीबन 2000 गाय हैं जो बूढ़ी भी हैं, बीमार भी हैं, कुछ दूध देने वाली भी हैं। और हमारे गौशाला के अंदर 80 आदमियों का स्टाफ है जो गौओं की देखभाल के लिए रहता है हमेशा, और 24 घंटे इनकी देखभाल के लिए यहाँ अलग अलग ड्यूटीज़ के अंदर अलग अलग शिफ्ट के अंदर आदमी काम करते हैं। और दानी यहाँ बहुत आते हैं जो गौओं को चारा और गौओं का राशन वो सब देते हैं। और हमारी गौशाला में शाम को कुछ हम दूध भी गाय देती हैं जिनको प्रसाद के तौर पे हम उसका वितरण भी करते हैं। और गौशाला में जितनी भी बीमार गायें हैं उनकी भी लगातार 4 डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनकी देखरेख की जाती है। यहाँ पर विधिवत रूप से प्रबंधक, सह प्रबंधक, कोषाध्यक्ष, सहायक, अनेकों गौसेवक, सफाई कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी आदि 100 से अधिक लोग कार्यरत हैं। गौशाला के प्रांगण में हर समय हरा चारा एवं भूसे के लिए 2 विशाल गोदाम हैं, जिनमें सदा प्रचुर मात्रा में पर्याप्त खाद्य सामग्री भरी रहती है। इसके अलावा रोटी, गुड़, गाजर, हरी सब्जी, चोकर, चूरी, भीगी दाल एवं खल आदि गायों के स्वास्थ्य एवं दूध गुणवर्धक के रूप में दिए जाते हैं। गौशाला में प्रतिदिन अनेकों पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे आदि हरा चारा, चोकर, गुड़ एवं गाजर खरीदकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाकर पुण्य कमाते हैं और मन में और प्रसन्न होते हैं। अमृत पान को लेकर के जब देवासुर में युद्ध हुआ,
सागर मंथन हुआ तभी और कामधेनु का जन्म हुआ। मंथन के अद्भुत रत्नों में कामधेनु प्रगटी आई। इस धरती पर स्वर्ग लोक से देव रूप में आई। यहाँ के प्रांगण के द्वितीय द्वार के बाएं तरफ एक मंदिर की स्थापना की गई है, जिसके साथ ही उपवन के मध्य एक सुंदर सजीव गोमाता के साथ बंसी बजाते हुए गोपाल जी की मनमोहक मूर्ति है। इस कलयुग में गौ माता की महिमा सुन लो भाई। इस धरती पर स्वर्ग लोक से देव रूप में आई। इस कलयुग में गौ माता की महिमा सुन लो भाई। इस धरती पर स्वर्ग लोक से देव रूप में आई। उपवन के ठीक सामने गौशाला का कार्यालय एवं आधुनिक कैश काउंटर है, जहां पर सभी लोग गौशाला से संबंधित दान एवं खरीद की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। यहां ऑनलाइन डीडी, चेक के द्वारा एवं सभी प्रकार की फोन बैंकिंग जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से भी दान देने की सुविधा है। द्वार में प्रवेश होते ही सीधे हाथ को गौशाला के प्रबंधन समिति का कार्यालय है, जहां पर नियमित रूप से गौशाला की प्रगति और उन्नति के लिए सभाएं होती हैं। कार्यालय के समीप आधुनिक रूप से निर्मित महिला एवं पुरुष शौचालय है। गौशाला के प्रांगण में गाय के शुद्ध दूध की गुणवत्ता और शुद्धता अति उच्च स्तरीय होती है। यह सभी निर्माण कार्य एवं पैकिंग व्यवस्था सभी अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा की जाती है, जो कि किसी भी गौ भक्त को बीमारी एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क प्रदान की जाती है। गौशाला में इनकम नाम की कोई चीज नहीं है, सारा दान पे चलता है। हमारे करीबन 2000 गाय यहाँ पर है। एक हमारी ब्रांच सहरसा में है, चायसा हरियाणा में है, बल्लभगढ़ के पास 2000 गाय वहाँ भी है। और मेजोरिटी जो गायें हमारी वो दूध देने वाली नहीं है, तो जिन गायों से हमको दूध मिलता है उनका कुछ प्रसाद वितरण होता है, दूध का कुछ पैसा वहाँ से आ जाता है हमारे पास दान स्वरूप। और बाकी चारा खिलाने लोग आते हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हर तरह का खर्चा को 80 जनों का स्टाफ है, सारा खर्चा दानियों के माध्यम से चलता है, सरकार से हम कोई ग्रांट नहीं लेते। हमारे ग्वाले जो हैं बिल्कुल स्वच्छ तरीके से हाइजीनिकली उस दूध को निकालते हैं, जिसको हम इकट्ठा करके हमारी मशीनें हैं, हाथ से नहीं होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एक मशीन में डालते हैं, मदर डेयरी जैसी मशीन है, लोगों के कार्ड बना रखे हैं और उसको हम चार्ज कर देते हैं हर महीने का, वो उसमें लगाते हैं और वो अपने अपने बर्तनों में दूध ले जाते हैं। जो दूध हमारा बच जाता है उसको हम थैली में पैक करते हैं, हमारे पास पैकिंग मशीन्स हैं, और उसको हम काउंटर पर रख देते हैं, वहाँ से भी लोग ले जा सकते हैं, वो बिल्कुल ही हाइजीनिक होता है। गौशाला का संपूर्ण गोबर लगभग 30 टन प्रतिदिन पूसा अनुसंधान केंद्र को गोबर गैस निर्माण हेतु गौशाला की गाड़ियों द्वारा पहुंचाया जाता है। गौशाला में ही गायों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक गौ अस्पताल भी है, जहां बीमार गायों का इलाज किया जाता है, जिसमें पशु चिकित्सक समय समय पर गायों की देखरेख एवं स्वास्थ्य की जांच करते रहते हैं। सफाई कर्मचारी निरंतर गायों की एवं उनके रहने के स्थान की सफाई का ध्यान रखते हैं। ऐसा है, यहाँ गायों का उपचार हम बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, उसके लिए हमने एक हॉस्पिटल बना रखा है और उसमें हमारे पास 3 वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो लगातार जो भी ग्वाले बताते हैं रोज़ सुबह राउंड लेते हैं
किसी गाय को कोई तकलीफ होती है उसका उपचार करते हैं। उसमें जो भी दवाइयों की ज़रूरत होती है वो हम मंगाते हैं और वो हमारे स्टॉक में हमेशा अवेलेबल रहती हैं। गायों को टाइम से जो भी गवर्नमेंट बोलती है उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन करते हैं उनका, और ये कोशिश करते हैं कि वो हमारी स्वस्थ से स्वस्थ रहें। किसी भी गाय को हम आसानी से जाने नहीं देते, अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं कि उसका हम उपचार करके उसको पैरों पे खड़ा कर सकें। गौशाला में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया है जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एवं आवश्यकता अनुसार बिजली का निर्माण होता है। गौ माता की श्री महिमा का कैसे हम व्याख्यान करें, उसकी देवो मई शक्ति का किस तरह गुणगान करें। गौ माता के सींगों पर ही धरती माता टिक पाई, इस धरती पर स्वर्ग लोक से देव रूप में आई। दिल्ली पिंजरा पॉल सोसाइटी की एक शाखा ग्राम छाइसा बल्लमगढ़ में भी है जो कि नोएडा एवं फरीदाबाद से लगभग 35-40 मिनट्स का रास्ता है, जहां लगभग 2500 गौधन पोषित होती हैं। इस गौशाला का शुभारंभ राय बहादुर लाला अंबा प्रसाद जी ने स्वयं जमीन खरीद कर कराया था। गौशाला संस्था के पास काफी उपजाऊ जमीन है जो गायों के लिए हरा चारा उगाने के काम आती है तथा खेती भी कराई जाती है। इसका लगान हर वर्ष गौशाला को आता है। छाइसा गौशाला में एक 3 कमरों की अतिथि शाला है। आवश्यकता और समय अनुसार निर्माण कार्य चलता रहता है। इस वर्ष भी यहाँ पर एक बड़ा शेड 50x200 तथा 60,000 वर्ग फुट पक्के फर्श का निर्माण भी गौशाला ने कराया, जिसमें लगभग 30 लाख की लागत आई। वर्षों से अनेक श्रद्धालु अपने हृदय की प्रसन्नता हेतु एवं पुण्य अर्जित करने के लिए जन्म दिवस पर, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर या किसी विशेष पर्व पर गौ माता को अपनी ओर से चारा दान करने आते हैं। कुछ लोग गाय को गोद लेकर उनका लालन पालन भी करते हैं। उन गायों की विशेष पहचान के लिए उनके विशेष नाम भी होते हैं। कुछ श्रद्धालु तो अपनी श्रद्धा अनुसार गौदान भी करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी सुख समृद्धि एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए गोदान को विशेष स्थान दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय में साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। वैज्ञानिक रूप से जो सर्वांग शुभकारी है, जिसके मूत्र गोबर से धरती उपजाऊ हो जाती है, जिसकी सांस लेने मात्र से वायुमंडल शब्द हो जाता है, जिसके दूध में अस्थमा, हृदय रोग एवं कैंसर जैसे भयानक रोग को दूर करने की क्षमता है। इस धरती पर देवों का प्रतिरूप है ऐसी पवित्र गौ माता का संरक्षण हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। पिंजरा पाल गौशाला इसी कार्य में निरंतर प्रयत्नशील है। इसी कारण संपूर्ण गौ संवर्धन हेतु कुछ भविष्य की कार्य योजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे शेडों के प्रथम तल पर उच्च स्तरीय प्रयोगशाला का निर्माण, गौमूत्र से स्वास्थ्य अनुकूल फिनाइल का निर्माण, गोबर से धूप, अगरबत्ती, हमन की सामग्री आदि मूल्य संवर्धित उत्पाद, जरूरत भर की बिजली के लिए गोबर गैस प्लांट, पर्यावरण हितैषी बनाने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाना, सोलर पैनल संभव हो तो सरकार की मदद से स्थापित करना, प्रथम तल पर हौदियां बनाकर गोबर से कैचुआ, बर्मीज खाद का उत्पादन, दिल्ली पिंजरापाल सोसाइटी के द्वारा गोपाल अष्टमी के दिन वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम और हर्ष के साथ मनाया जाता है। गोपाल अष्टमी मेला, यह परंपरा भी लगभग 130 वर्ष पुरानी है। इसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक भक्ति कार्यक्रम जैसे भजन संध्या या कृष्ण लीला का आयोजन किया जाता है।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।